क्या बोल रहा, बकवास कर रहा है। अच्छा हाँ, भैंस हो गई थी उससे मेरी काफी अच्छी बात थी। ड्राइवर से कह रहा है ज्यादा मत बोल, बताता हूँ। मैंने कहा क्या बताएगा मेरे को। हाँ गाली दे के गया। मैंने कहा फालतू मत बोल, ध्यान से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अ सुपर राइडर शिवम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। तो अभी मेरी एक राइड चल रही है नॉर्थ ईस्ट सिक्किम की। राइट नाउ आई एम एट नॉर्थ सिक्किम लाचुंग। तो आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं लाचुंग कैसे पहुँचा, कितने बजे पहुँचा, और मैं इस होटल में रुका हूँ और हमारी बाइक्स खड़ी है यहाँ पर। तो एक बार सामने का व्यू देख लो सबसे पहले। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। हम लोग जा रहे हैं युमथांग वैली और वहाँ से फिर जाएंगे जीरो पॉइंट। उससे पहले कर लेते अपना ब्रेकफास्ट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्या मतलब मेरे लिए परेशान, हम लोग भी परेशान करने वाली चीज़ थी। आज सुबह हमने 5:30 बजे का अलार्म लगाया था कि जल्दी निकलना है, लेकिन एक मुर्गे ने मतलब हमें 4:30-5 बजे उठा दिया। तो ये एक बार सुनो, रात को मैंने रिकॉर्ड किया था। तो अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। भैया ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। संदेश भैया क्या क्या बना है? चाय। चाय आप बता रहे थे कौन सी है? टिमिटी का। टिमिटी चलो पिलाओ। उसका सेंट अलग सा है तो मैं पिया। नहीं नहीं हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, मैगी खाई और पी मैंने टेमिटी। तो टेमी एक जगह है, दीदी ने बताया वहाँ पे चेरी ब्लॉसम होता है। तो जब हम लोग साउथ सिक्किम जाएंगे वो भी एक्सप्लोर करने ट्राई करेंगे। अब यहाँ से चलते हैं युमथांग की तरफ और आज हम लोग लाइट ट्रैवल करने वाले, क्योंकि सारा सामान हमने यहीं पर छोड़ दिया है रूम में अपने। तो मज़ा आने वाला है आज की राइड में। सो लेट्स गेट ऑन आवर बाइक्स। तो शुरू करते हैं अपनी आज की राइड लाचुंग से। तो ये वाला जो एरिया है लाचुंग का तो बहुत सही है। मतलब रात को जब हम लोग आए थे तो इतना अच्छा लग रहा था, वेल लिट अप था एंड हैपनिंग मार्केट है। और यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे पता चली मतलब नॉर्थ सिक्किम के बारे में, कि यहाँ पे हर दुकान पे मतलब नॉर्मल जो स्टोर है ग्रोसरी स्टोर उस पर भी आपको लिकर मिल जाएगा और इजीली मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग छुपा के बेच रहे हैं, ये लाइसेंस्ड बेच रहे हैं। तो नॉर्थ लाचुंग में और लाचेन में इन दोनों जगह पर ग्रोसरी शॉप्स पर लिकर बेचना अलाउड है विद लाइसेंस। तो ये मुझे यहाँ आकर पता चला, क्योंकि मैं शौक था यार यहाँ पे हर दुकान पर कैसे लिकर रखी है। चलो सुबह सुबह लिकर की बातें छोड़कर व्यू एंजॉय करते हैं। और ये देखो यार, एक तो यहाँ पे जो फ्लैग्स लगे होते हैं ना कलरफुल, और उसके ऊपर से व्यू, तो देख के मज़ा आ जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक वीडियो लिया स्टोरी के लिए, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स डलते रहते हैं। और एक बार ये व्यू देख लो आप भी यार, ये रिवर बहते हुए यहाँ पे बीच में कितनी अच्छी लग रही है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। पहाड़ों में यही दिक्कत है यार, कहीं रुक जाओ ना तो मन करता है वहीं रुके रहो, फिर देखते रहो व्यू। यहाँ पे रास्ता कटता है युमथांग और कटाव के लिए। तो ये नीचे जा रहा है कटाव एंड दिस इज़ फॉर युमथांग। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से 23.625 किलोमीटर है युमथांग वैली। एक बहस कर रहा था क्या? बिल्कुल घुसा दी एक बंदे ने मेरे अंदर, गाड़ी वाले ने। हाँ पूरी गाड़ी यूटर्न लेके मेरे अंदर घुसा दी, उतर गया गाड़ी से। मैं कह रहा क्या बोल रहा, बकवास कर रहा। अच्छा हाँ भैंस हो गई थी उससे मेरी काफी अच्छी बात थी। ड्राइवर से कह रहा है ज्यादा मत बोल, बताता हूँ। मैंने कहा क्या बताएगा मेरे को। हाँ गाली देके गया। मैंने कहा फालतू मत बोल, तो गलत मैं पता है यहाँ पर था। हाँ चलो आगे करो, आगे करो। मुझे सुना रहा है ऊपर। चलो तो यार दिस इज रॉन्ग। एक तो आपको बाइकर्स की सेफ्टी देख के चलनी चाहिए, कि आप एक तो पतली सी रोड है ऊपर से अंदर की तरफ चल रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो, गाली दे रहे हो किसी को। सो दिस इज नॉट एट ऑल राइट। तो यहाँ पे भी चेक पोस्ट है, तो
तो परमिट दिखाना हमें। सो हम लोग जस्ट अभी निकले अपना परमिट चेक करा के, यहाँ पर एक कॉपी जमा हुई और हमसे हमारी दो बाइक्स थी तो 40 रुपीज़ लिए गए, 20 रुपीज़ ईच। तो हमें लगा एंट्री क्या ऐसा कुछ, बट फिर जब स्लिप देखी तो उसमें लिखा था पार्किंग फ़ी, लाचुंग पार्किंग फ़ी। तो आई डोंट नो, हमने तो कोई पार्किंग में लगाई नहीं, हमारा तो होटल था। सो हर जगह के अपने अलग अलग रूल हैं, कुछ कुछ सिस्टम है एंड यू कांट डिनाई इट। तो जैसे चल रहा है चलने दो। बस वही है कि यार जितनी भी मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, उन सारी चीज़ों को मैनेज कर देता है ये व्यू, तो इसीलिए फिर बुरा नहीं लगता इतना। ये सेंचुरी है, रोडेंड्रोन सेंचुरी। तो रोडेंड्रोन सेंचुरी में हम लोग आ गए हैं और फ्लावर्स यहाँ पे दिखना शुरू हो गए हम लोग को, और 40 स्पीशीज है इस वैली में इस फ्लावर्स के। और कल हमें रात में बताया था कि इन फ्लावर्स से ये लोग वाइन भी बनाते हैं। यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग्स हैं, छोटी छोटी क्रॉसिंग्स हैं सब। तो यहाँ पे स्नो दिखना स्टार्ट हो गई, बहुत कम है लेकिन, क्योंकि अप्रैल का महीना है, इतनी ज़्यादा स्नो तो होगी नहीं। अभी हवा लग रही है बहुत ठंडी ठंडी, एकदम चिल्ड हवा। तो कुछ ऐसा व्यू है आपके सामने, वहाँ पर रिवर है और यहाँ ऑफ रोड और सामने माउंटेन्स, गजब, खूब दारुन खूब दारुन। तो आज का मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं बार बार बंद कर रहा हूँ कैमरा और फिर से कुछ अच्छा दिख जाता है जो कि मुझे आपको दिखाना चाहिए। मेरा मन नहीं मानता कि यार ये चीज़ें छोड़ दूँ। So do bear with me. तो यार ये ना सारा खराब कर रही है, इतना धुआं यार, कैसे अलाउ कैसे हो रही है चीजें यहाँ पर इतनी साफ इतनी सुंदर वैली में। So now we have finally reached Yum Thang, the Valley of Flowers. यहाँ के views amazing है और ये flowers देखो, पूरे रास्ते में चलते हुए आ रहे थे flowers और सामने नज़ारा ऐसा है। अभी हमें थोड़ा और जाना है आगे, गजब यार एक नंबर, खूब दारुन खूब दारुन। तो यहाँ Yum Thang में shops है, स्टॉल्स है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। अब मार्केट सी एक, लेकिन यार ट्रैफिक इतना ज़्यादा, इतने सारे लोग हैं, टैक्सीज इतनी सारी है जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ आसपास कुछ है। तो आगे ही बढ़ेंगे अब हम जीरो पॉइंट की तरफ। तो रास्ते में कुछ दिखा Yum Thang वैली का, रास्ते में आते हुए तो हमें फ्लावर्स दिखे बहुत सारे वैसे, तो चलते हैं आगे जीरो पॉइंट की तरफ अब। तो भाई मार्केट में तो भीड़ भड़ाका लग रहा था, लेकिन यहाँ देखो एक बार व्यू, नीचे पूरा रिवर है, लोग हैं, याक्स है, फोटोग्राफी चल रही है और सामने का व्यू देखो यार अमेजिंग। तो मतलब इतने सारे व्यू मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे, पूरी वैली इतनी अच्छी है। और नीचे बाइक ले जाने का मन था, रास्ता बना हुआ है देखो पूरा, बट भैया ने बताया बाइक से अलाउड नहीं है। भैया क्या क्या है यहाँ पे, इस जगह के बारे में बताओ कुछ। ये वैली है, याक राइडर कर सकते हैं नीचे जाके। अच्छा रिवर है, और आगे क्या है? कहाँ पे आगे? हाँ आगे जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट कितना किलोमीटर?
31। अच्छा तो बर्फ मिलेगा 0 पॉइंट में। अच्छा तब तो अच्छी बात है, हम लोग जा रहे हैं 0 पॉइंट। मुझे पता था कि युमथांग से 23 किलोमीटर है, बट भैया ने बताया 31 है। नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर यहाँ पे देखते हैं नज़ारे। नीचे जाने का तो मन नहीं ऐसा कुछ, लेकिन आगे कहीं आपको रिवर साइड में रुक के दिखाएंगे और फिर निकलेंगे आगे 0 पॉइंट। ये व्यू देख लो यार, ओह माय गॉड। ये रास्ते देखो कैसे यहाँ पे कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ एंड उससे आप पता लगा लोगे कि हम कितनी ऊपर आ गए। ये देखो, मतलब जो सामने वाले पहाड़ है हमें युमथांग से दिख रहे थे, हम उस नदी के आसपास थे और अब हम उन पहाड़ों से भी ऊपर आ चुके हैं और भी ऊपर अभी हमें जाना है। तो भाई क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या रोड्स है, क्या वैली है, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। देखो भाई हर तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये देखो ये वाले पहाड़, अलग ही सीनरी लग रही है भाई बिल्कुल। ये देखो सर पे कितना ऊंचा पहाड़ है। अब बिल्कुल लेवल पर आकर सामने सामने ग्लेशियर्स दिख रहे हैं पूरे, और पीछे भी रोड पर भी आए थे, मतलब बहुत छोटे छोटे चंक्स आइस के। अरे यार मेरा तो मन ही नहीं कर रहा बाइक चलाने का, क्या बताऊं। देखो एक बार, अब और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है, तो जितने ग्लव्स वगैरह पहने हुए, मैंने तो अंदर हाफ टी शर्ट पहनी हुई है सिर्फ, लेकिन उतने में भी इट्स इनफ। सामने देखो एकदम नीला आसमान हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के भी चांसेस कम ही है। क्या यार यहाँ पर रिवर भी बह रही है, ग्लेशियर्स पिघल पिघल कर। चलो चलते हैं यार, धीरे धीरे व्यूज़ तो बेटर होते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रोड्स एक नंबर, मतलब बीच में कहीं कहीं टूटा हुआ है जहाँ काम चल रहा है ऐसा कुछ नहीं, तो एक नंबर रोड है, ऑफ रोड तो बिल्कुल है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी होता तो मज़ा आता, बट इस पर भी बहुत मज़ा आ रहा है, थकान नहीं हो रही कोई ज़्यादा, और व्यूज़ भी देखते हुए चल रहे हैं। ये देखो यहाँ रोड के साइड में जमी हुई है स्नो, ये तो बहुत पुरानी स्नो होगी, और देखते हैं आपको दिखाते हैं कितनी टाइट है या सॉफ्ट है ये। ठीक है अंदर तो फ्रेश है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है मेरे हिसाब से। स्टाइल में कूदना पड़ेगा अब तो, कूद जाओ। हिम्मत नहीं हुई तो बाइक सबने यहाँ पे लगा दी है, हेलमेट भी यहीं पे लगा दिए। पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी रिवर है, स्नो है, सब है यहाँ पे। ठीक है मतलब मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात ठंडी एकदम चिल्ड हवा, चिल्ड। अभी पानी देखते हैं कैसा है, कूद होते हैं इसमें। ये देखो यार कुछ ऐसे सीन्स है, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। जूते? मजा मन कर रहा था पानी में जाने का, तो पानी में। जूते? जूते मस्त है, बिल्कुल पानी नहीं जा रहा इसमें। सॉक्स भी उतार दी।
बॉक्स उतार दी, मन कर रहा था अभी दूसरे में उतारूंगा, मैं धूप में बैठूंगा, सन बात लूंगा मैं 14,200 फीट पर, और सामने स्नो भी है। लोग गोवा जाके लेते सनबाद, क्या लोग गोवा जाके सनबाद करते हैं, मैं सिक्किम में एकदम 14,200 फीट पे आके सनबाद लूंगा। क्या बात है। सो राइट नाउ आई एम एट 0 पॉइंट, और भाई क्या फन चल रहा है, आप एक बार देख लो क्या फन चल रहा है। पूरा पानी में मैं बच्चों की तरह खेल रहा हूँ, अपनी पैंट्स गीली कर ली है, इतने वाटर प्रूफ जूते होते हुए भी उससे भी ऊंचे ऊंचे पानी में चला गया। सो फन है, बहुत मजा आ रहा है। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब हल्का सा पानी छूगा आपके हाथ जम जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि धूप बहुत अच्छी है, तो इससे ज़्यादा देर तक वो ठंड का सेंसेशन नहीं रहता। तो दिस इज द व्यू फ्रॉम 0 पॉइंट, अलग अलग शेप के पहाड़, कहीं स्नो कहीं पे स्नो नहीं है, रिवर बह रही है बीच में, अमेजिंग व्यू है मैन, अमेजिंग। तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, टाइम भी वैसे भी ज़्यादा नहीं हुआ, 11 ही बजे हैं, तो थोड़ी देर इंजॉय करते हैं और चलते हैं। पर ये देखो यहाँ स्नो अभी है ही, और ऊपर चलते हैं, ऐसे मन नहीं यार जमी बर्फ में जाने का, क्या मन है, लेकिन कुछ फोटोज आ जाएंगी अच्छी, और फोटोज आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। मस्ती चल रही है, बहुत सही यार, बहुत सही, इतना सही व्यू आ रहा है। तो अब चलते हैं नीचे, स्नो भी देख ली इस ट्रिप पर। हाँ यार, हवा यहाँ पे क्या चल रही है पता नहीं, आपको भी ऑडियोज में आ रहा होगा हवा, सो प्लीज मैनेज दैट, बट बहुत तेज हवा और ठंडी हवा चल रही है यार, मजा आ रहा है। अब टाइम हो चुका है 12:15 करीब, चलते हैं यहाँ से। ढाई बजे करीब हम लोग आ गए अपने होटल, और अब यहाँ पे करेंगे अपना लंच। भूख बहुत ज़ोर से लगी है, सर में दर्द होने लगा, तो इतने ऑल्टीट्यूड में हम लोग लगभग 2-2.5 घंटे रुके, तो सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा जब नीचे आ रहे थे, अब भूख से ऑल्टीट्यूड से ये पता नहीं। अब बस चलते हैं, अपना लंच कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर बढ़ेंगे हम लोग आज ही लाचेन की तरफ, विच इज़ अप्रॉक्स 45-50 किलोमीटर्स, तो हमें दो तीन घंटे का टाइम लग जाएगा आराम से, और अभी बज रहे हैं 3। सो अब हो गया हमारा लंच, और 1 घंटे हमने रेस्ट किया, अब निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर लिया हमने, लगभग 4 बज चुके हैं, 4:30, और अब यहाँ से जाएंगे लाचेन। तो मैं चुमथांग तक कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा रास्ते में, क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा, सो डू चेक दैट आउट। और संदेश भाई, इनका नाम है संदेश, संदेश लेके आते हैं चॉकलेट। तो बहुत मज़ा आया स्टे पे, जो स्टाफ है दैट इज़ वेरी वेरी गुड, तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अभी नंबर ले लेता हूँ इनसे, और चलते हैं यहाँ से लाचेन की तरफ। तो सी यू गाइस आफ्टर चुमथांग। अभी चुमथांग बचा है 13 किलोमीटर, और मेरी बाइक के ट्रिप का इज द सेकेंड रोल ओवर, मतलब 2000 किलोमीटर इस ट्रिप पर बाइक चल चुकी है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो अगेन। ये अपडेट देना था आपको, और बारिश होने के चांसेस हैं, बादल आ चुके हैं, तो हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा लाचेन। तो हम लोगों ने चुमथांग क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से लाचेन बचा है 25 किलोमीटर, अंधेरा होने वाला है, व्यू देख रहे यार सामने, नदी है, क्या क्या है, लकड़ी का पुल। तो हम लोग पहुंच गए थे अपने रूम में 7:15 बजे तक, 2 घंटे लगे हमें आने में लाचुंग से, इतना टाइम नहीं लगता, रास्ते में एक ट्रक फंस गया था इसलिए ट्रैफिक में हम लोग फंस गए लगभग 15-20 मिनट, बट रोड्स बहुत अच्छी थी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने में, आराम से हम लोग आ गए। थोड़ा सा आधा घंटा हमें रात में चलाना पड़ा,
और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि भाई कल रात में तो हालत हो चुकी थी बिल्कुल खराब, मतलब व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे साथ एक दो चीज़ें हुई ऐसी जिसके बाद पूरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। सो ये सारी बातें करेंगे किसी अगले व्लॉग में, ये व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे आज के व्लॉग में फिर से। आज हम लोग जा रहे हैं लाचेन से गुरुडोंगमर। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।